हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू इन एफएम मैथमेटिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तीन प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास 10 से स्टार्ट होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ये तीन प्रॉपर्टीज ना पढ़ी हो, बट यही आपको सबसे ज्यादा परेशान करती होंगी जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते होंगे। लेकिन आज मैं इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ कराने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि ये प्रॉपर्टी बनी कैसे है। तो आज इतनी बड़ी मिस्ट्री हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी बात, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं आपका चेंज कर दूंगा। इन तीन प्रॉपर्टीज से कितने सारे नए फॉर्मूले आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो लेट्स बिगिन द मैजिक। पहली प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट हाउ कोई नहीं जानता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सभी ने पढ़ा है, कोई नहीं जानता कैसे आ रहा है। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बट हाउ नोबडी नोज। तो आज मैं इनका प्रूफ करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। एक ट्राइंगल मैंने साथ में बना रखा है जो कि आप यहां देख पा रहे होंगे। किसी भी एंगल थीटा की बात हो रही है तो मैंने एक एंगल थीटा बना लिया और एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है, रटी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बात बता चुका हूं, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस होगा बीसी और परपेंडिकुलर होगा एबी। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर है बच्चों एसी, एसी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर एबी का स्क्वायर हो जाएगा और बेस बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम सारा मैजिक करके दिखाएगी। यही पाइथागोरस थ्योरम उन तीन प्रॉपर्टी का प्रूफ करके दिखाएगी जो अभी तक आप रट रहे हैं। अब सीधी बात यह है, यहां पे भी आपको दो क्वांटिटी दिख रही होंगी, यहां भी दो क्वांटिटी दिख रही है। यहां पे एक क्वांटिटी इक्वल में है, यहां भी इक्वल में एक क्वांटिटी, बस उसके इक्वल में वन है। ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है। और यहां पे इसके इक्वल में क्या है? एसी स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा हिंट अगर यहां से लें कि यहां पर आपको बनाना है वन, तो एसी स्क्वायर को वन कैसे बनाएंगे? किसी वैल्यू को वन बनाना हो तो सेम वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना सा आसान सा काम है। डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बस हो गया स्टूडेंट्स, खत्म काम। तो एसी स्क्वायर को एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वन आएगा। ये ए बी अपॉन ए सी और इसका मैं होल स्क्वायर बना दे रहा हूं, और ये बी सी अपॉन ए सी और इसका मैं होल स्क्वायर बना दे रहा हूं, बिकॉज दोनों पे स्क्वायर है। क्लियर हो रही है बात? वन। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी अपॉन ए सी, ये रहा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है? साइन का। किसके लिए? एंगल थीटा के लिए। ऊपर लगा स्क्वायर, हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आई ना मजा? समझ में आ गई ना बात? बहुत ही आसान है। बीसी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था? कॉस बोलते थे उसको, थीटा के लिए, क्योंकि एंगल यहां पर थीटा लिया है, साथ में स्क्वायर लगा दिया। लीजिए, जो अभी तक आप रट रहे थे, प्रूफ हो गया खत्म। इतना आसान था। तो बेटा कुछ भी याद मत करो, सारी बातों को प्रूफ करो। मैथमेटिक्स इसी तरीके से आपको समझ में आ सकती है। दिस इज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स, दिस इज द ओनली वे टू मास्टर इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक आप चीजों का प्रूफ नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है और आपने मेरे अभी तक सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर का लिंक है, बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला तो प्रूफ हो चुका है, बट इसी को तीन चार तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं जो आप कभी नहीं पढ़ते होंगे। हायर क्लासेस में जब जाते हैं बच्चे तब इसको पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। कहीं भी अगर कॉस को साइन में चेंज करना हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये नोट करके रखिए, एक आइडेंटिटी तो ये बन गई इससे। दूसरा, सेम वे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी तो बच्चों ये बन गई। यहीं से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक दो तीन चार तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला नहीं है,
एक दो तीन चार पांच, ये पांच फॉर्मूलाज हैं। जैसे हमारी नीड होगी प्रूव्स वाले क्वेश्चन में, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा अभी, तो उस पे जब भी क्वेश्चन आएंगे मुश्किल मुश्किल, तो उसमें हम बड़ी आसानी से ये थ्योरम यूज करके और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो अब आइए देखते प्रॉपर्टी नंबर टू। तो नंबर सेकंड है बच्चों, 1 + tan²θ बराबर sec²θ। सवाल ये रहा कि ये आया कैसे होगा, आखिर रट तो सबने लिया, इसका यूज कैसे होगा। और इस पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसे बताने वाला हूं जो एक पेज की कैलकुलेशन को सिर्फ दो लाइनों में ला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये तीनों प्रूफ हुए हैं। अब देखिए, मुझे 1 चाहिए यहां पर, इक्वल में चाहिए sec स्क्वायर थीटा। सीधी सी बात है, ये क्या है? sec स्क्वायर थीटा। sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो AC हाइपोटेन्यूज आपके पास है, बेस से डिवाइड कराना, बेस क्या है? BC। बस हो गई बात खत्म। क्या करिए? डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पढ़ाया बहुत लोगों ने होगा, सबने क्लासेस करी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, सब याद कर रहे हैं। आज प्रूफ देख लो इसका कैसे हो रहा है। तो दोनों साइड BC से डिवाइड कर दिया, AC अपॉन BC का हो गया होल स्क्वायर, इधर AB अपॉन BC का हो गया होल स्क्वायर, और इधर BC अपॉन BC का हो गया होल स्क्वायर। करेक्ट है, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC, AB हो गई परपेंडिकुलर, BC हो गई बेस, जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा। BC अपॉन BC हो गया 1। बात खत्म, मिस्ट्री सॉल्वड। देख लो भाई, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan²θ, ऐसे चुटकी में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी ये, अगर आप समझ लें इस बात को। अब इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट करके लिखिएगा, इस प्रॉपर्टी को कैसे आप यूज कर सकते हैं। कहीं अगर tan को sec में चेंज करना पड़ जाए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू रूट में लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। सबसे मेन प्रॉपर्टी अब यहां से आप देख लीजिए, कभी sec और tan माइनस में आ जाते हैं स्क्वायर के साथ, तो 1 बन जाता है वो। कैसे? sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में लीजिए, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे भी इंपॉर्टेंट अब आने जा रही है, थोड़ी सी अलजेब्रा लगाई मैंने इसमें और एक प्रॉपर्टी मैंने ड्राइव कर ली। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और इनटू में हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, अब sec थीटा प्लस tan थीटा को हम इसको अपॉन में भेज दें, तो sec थीटा प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे नोट कर लीजिए, मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं। तो याद रखिए, हम sec थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इस बात को नोट कर लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो आपकी एक पेज की कैलकुलेशन को कम कर देगा, एक पेज की कैलकुलेशन को कम कर देगा सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के। ठीक, इसी का दूसरा, sec थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा माइनस tan थीटा, ये उधर जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अगले नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो बनेगी उसमें वो क्वेश्चन आने वाला है जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से नोट करके लिख लो, याद कर लो, आधे पेज की कैलकुलेशन कम कर देती है। कहीं हमें प्रूफ करना होता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, या कहीं हमें प्रूफ करना होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, और हमारा आंसर जो आता है प्रूफ करने के बाद वो आता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहां से यहां पे पहुंचना आधे पेज की कैलकुलेशन है, बट हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी है भाई, हम क्यों यूज नहीं करेंगे। लेकिन बात वही, अगर पढ़ा होगा तभी तो यूज कर पाओगे। बस हो गया खल्लास, फिनिश। बची तीसरी प्रॉपर्टी, जल्दी से उसको भी देख लो, बट इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे से बहुत काम देने वाला है ये। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी उसकी भी मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 1 + cot²θ बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, सभी ने पढ़ा है, बल्कि बोलो सभी ने रटा है। अब पाइथागोरस थ्योरम फिर से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वल में चाहिए cosec, जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, यानी कि AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सीधी बात, नो बकवास, डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हो गया भाई, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर,
ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक एक करके तीनों साइड से डिवाइड करा था, पहले ए सी से करा, फिर बी सी से करा, फिर ए बी से कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ किसी ट्राइंगल में, एक एक करके तीनों साइडों से डिवाइड कर दो, तीनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, बात खत्म। बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बना? कॉसेक थीटा, उस पर स्क्वायर लगाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो। ए बी अपॉन ए बी वन हो गया। बी सी अपॉन ए पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा होता, कॉट स्क्वायर थीटा। लो भाई प्रॉपर्टी आ गई, बात हो गई खत्म। रटना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, हर चीज का प्रूफ मिलेगा, बिना प्रूफ के कुछ नहीं मैथमेटिक्स में, कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। हो गई बात खत्म। अब इस पे भी वो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी में बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको नोट करके लिख लो भाई, बहुत ही जरूरी है। इसको इधर लाइए माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं आ जाए तो डायरेक्टली वन लिख देना। जनरली बच्चे क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू लगाएंगे कॉसेक की फॉर्म में, या कॉसेक की वैल्यू लगाएंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट से कॉट को कैंसिल करेंगे तब वन लाएंगे। अरे जब आपको पहले से पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन है तो डायरेक्ट पुट करो ना, लेकिन पुट तो वही करेगा जो ध्यान से पढ़ेगा। तो भाई इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहीं पे भाई a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहीं से लिख देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रही वो इंपॉर्टेंट बात, आधे पेज की कैलकुलेशन कम कर देता है ये। और यहीं से इसका दूसरा कर लो, ये इधर ले आओ, उसको डिवाइड में भेज दो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें एक में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी और एक में टेन और सेक वाली, आधे आधे पेज की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट करके लिख लीजिए। ये थी हमारी तीन प्रॉपर्टीज और इन पे मैंने जो नई प्रॉपर्टीज बताई हैं जो आप पढ़ते ही नहीं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? इसी तरीके से अगर आप और अमेजिंग फैक्ट चाहते हैं विद प्रूफ आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द।